बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन भी रहा हंगामेदार। आसन के अपमान के मुद्दे पर सीएम से माफी मांगने के लिए विपक्ष आया। गुरुवार को द कश्मीर फाइल्स फिल्म को बिहार में किया जा सकता है टैक्स फ्री। सीएम डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दी जानकारी, जाप ने किया विरोध। बिहार में एमएलसी चुनाव के लिए खत्म हुआ नामांकन का दौर, नामांकन के आखिरी दिन भी कई दलों के प्रत्याशियों ने किया नामांकन, जीत का किया दावा। और देश के साथ ही बिहार में बुधवार से शुरू हुआ 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन को लेकर बच्चे में दिखा उत्साह। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी किया इंटर का परीक्षा परिणाम, 80.15% परीक्षार्थी हुए पास, कॉमर्स में 90% अव्वल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात आज दिन भर की उन तमाम बड़ी खबरों में होगी जहां बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बुधवार का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि सदन में बुधवार को एनडीए एकजुट दिखाई दी। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा सदन में लौटे तो उम्मीद थी कि सदन बुधवार को सामान्य तौर पर चलेगा, लेकिन विरोधी दल मुख्यमंत्री से माफी मांगने के साथ इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक फिर शुरू हुई तो शाम के 4:50 तक के लिए स्थगित हो गई और बाद में 4:50 शुरू होते ही 5 बजे निर्धारित समय अनुसार सदन की कार्यवाही खत्म हो गई। हालांकि सदन के बाद जो तस्वीरें दिखी तो सदन के बाहर भी हंगामा खूब दिखा। सदन के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष के नेताओं ने अपनी बात रखी तो सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर दिखा। लोग का मांग एक ही है कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री आवे और सदन और आसन से माफी मांगे और इस पर विमर्श होना चाहिए। बिना विमर्श हुए हम सदन नहीं चलने देंगे। सदन तो चल ही रहा है, सदन कहाँ बंद है? विधानसभा का सदन में कार्यवाही चल ही रही है, प्रश्नकाल उठ ही रहे हैं, जो सरकार का बिजनेस है वो हो ही रहा है। इतना बड़ा जो है हाउस चल रहा है और नेता विपक्ष दिल्ली प्रवास पर, जब जब पता नहीं, जब जब बिहार के विकास की बात हो, बिहार के आपदा की बात हो, कोई मामला भी होता है, उनको कोई मतलब है बिहार के विकास से, बिहार के काम से? इतना महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है, बजट पास हो रहा है, लेकिन उनको बजट से भी कोई लेना देना नहीं। हालांकि सदन में हंगामे के बीच एक और तस्वीर देखने को मिली। दरअसल जिस तरीके से विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे और उनके माफी की मांग कर रहा है, तो ऐसे में अब एकजुट सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर दिखा। ऐसे में विधानसभा में साल भर पहले यानी कि 23 मार्च 2021 को हुए हंगामे और मारपीट के मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर दिखा। आपको बता दें कि मारपीट के मामले में विपक्ष के कई विधायक जो हैं वो कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं। बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर और बाहर भारी हंगामा हुआ था। शांति बहाली के लिए कई पुलिस पर सदस्यों के साथ मारपीट के आरोप भी लगाए गए थे। इसकी जांच का रिपोर्ट अब पूरी तरीके से सामने जल्द आ जाएगा, क्योंकि इसकी जांच का जिम्मा विधानसभा की आचार समिति को दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि राम नारायण मंडल आचार समिति के सभापति हैं, अरुण कुमार सिन्हा, रामविष्ण सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और अच्युत ऋषिदेव सदस्य रहे और इन लोगों की टीम ने जांच के बाद जो रिपोर्ट सौंपी है। अब यह देखना होगा कि क्या विधानसभा अध्यक्ष उस रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करते हैं, क्योंकि जो सदस्य है, सदस्यीय टीम ने इसके लिए कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। सरकार या मुख्यमंत्री की कभी ऐसी मंशा या इच्छा हो नहीं सकती है और आसन को महोदय आसन को किन्होंने पामाल कर दिया था, किन्होंने अपने पद से अपने पैरों से रौंद डाला था आसन को, वो आज आसन के सम्मान की बात कर रहे हैं। सदन पूरे राज्य के, पूरे राज्य का आईना है जहां हम सब मिलकर लोकतांत्रिक पद्धति से चुनकर आते हैं और राज्य के लोगों की सेवा करते हैं। आज हमारे विपक्ष के साथी जिस प्रकार से सदन के प्रति चिंतित है, लगता है कि वो 23 मार्च 2021 का वो दिन वो भूल गए जब विपक्षी साथियों के द्वारा आसन को किस तरह से रौंदा गया। विधायकों की पिटाई के मामले में आचार समिति की रिपोर्ट जो आई है, विधायक को ही दोषी ठहराया गया है, उस समिति के रिपोर्ट को वापस लिया जाए और विधायकों की पिटाई के जो असली जिम्मेदार हैं
उन पर कार्रवाई हो जो अपराधी हैं विधायक की पिटाई। तो कुल मिलाकर के देखें तो जिस तरीके से विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हावी होता दिख रहा है, उनकी माफी के लिए लगातार मांग रहा है, ऐसे में अब एनडीए ने विपक्ष को ही रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है और एकजुटता के साथ बीजेपी और जेडीयू के नेता जो हैं वो विपक्ष पर हमलावर हैं। हालांकि दूसरी तरफ माले के विधायक ने इस पूरे स्थितियों के बाद इस पूरे रिपोर्ट पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करते हुए उन्होंने कहा है कि जो कार्रवाई की बातें कह रहे हैं, सबसे पहले कार्रवाई उन अधिकारियों पर होना चाहिए जिन्होंने उन जनप्रतिनिधियों का अपमान किया है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात जहां एक तरफ सदन में इस स्थितियों के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है तो दूसरी तरफ अब इसका एक्शन भी दिखा है। पटना के कारगिल चौक पर युवा जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का पुतला दहन किया। इस दौरान युवा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज ने कहा कि राबड़ी देवी ने सदन में मंत्री के लिए अपशब्द का प्रयोग किया, इससे बिहार की छवि खराब होगी और बिहार की छवि राजद के 15 सालों के कार्यकाल में पूरी तरीके से बर्बाद होकर रही थी जो अब नहीं होने देंगे। मंत्री के लिए जो संवैधानिक पद पर है, बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों को दलाल सबसे संबोधित करने का काम किया बिहार विधान परिषद में, उन्होंने बिहार के छवि को धूमिल करने का काम किया है, उसके विरोध में युवा जनता दल यूनाइटेड पूरे पुरजोर तरीके से आज यहां पर उनका विरोध कर रही है। वो माफ़ी मांगने के लायक नहीं है, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने बिहार के छवि को धूमिल किया उसको मेंटेन करते करते आज 17 साल बीत गए बिहार को ट्रैक पर लाने के लिए। इधर चर्चे में बनी फिल्म द कश्मीरी फाइल्स जो 1990 में कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर बनी है, उसे कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं बिहार में अब तक इसको टैक्स फ्री नहीं किया गया है, जिसको लेकर अच्छी खबर है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि गुरुवार से इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फिल्म राष्ट्रहित के मुद्दे पर बनी है, इसलिए टैक्स फ्री होने पर आम लोग इस फिल्म को सहजता और सुविधा के साथ देख सकेंगे। प्रदर्शन हुआ और आम आदमी से माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी तारीफ की है। पीछे करिए ना भैया। और कश्मीर की जो कथा और व्यथा है विभाजन और उसके बाद कि उसमें काफी यथार्थ स्वरूप में उसे दिखाया गया है और हमने निर्णय लिया है कि इसे टैक्स पकड़ लेता है भैया और मुझे लगता है कि कल तक इसकी घोषणा हो जाएगी। फिल्म द कश्मीरी फाइल्स एक तरफ जहां दर्शकों के लिए तारीफ बटोर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कई राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर के जमकर विरोध भी कर रही हैं। इसी कड़ी में फिल्म को लेकर जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि यह फिल्म भाजपा के कारनामों को छिपाने वाली फिल्म है, क्योंकि जो इसमें दिखाया गया है उस वक्त भाजपा समर्थित सरकार थी, यह नए बच्चों को बरगलाने के लिए एक साजिश है। अपने स्टेट में टैक्स फ्री करना, इससे बड़ा जुल्म कुछ नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि हर देश का बच्चा ये जाने या बीजेपी वही है जिस जो उस वक्त देश को शासन पर बैठा था, और यदि कोई घटना उस वक्त घटी कम या ज्यादा तो ये वही लोग हैं। और आज नफरत की सियासत पर 2024 की डगर तय करने की जो इसकी प्रयास है वो खत्म होगा। इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने उनके पटना आवास पर जाकर मुलाकात की। इस औपचारिक मुलाकात में कई बिंदुओं पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने डिप्टी सीएम से नए जिला अनुमंडल प्रखंड सृजित करने, वार्ड नंबर 29 दरभंगा नगर निगम में अनियमितता, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के गेट पर जलाए गए दुकानों की जाँच और मुआवजे, और महुआ नगर परिषद वार्ड संख्या 10 और 11 में स्ट्रीट लाइट और नल जल योजना के संबंध में उनसे बातचीत की और इस समस्याओं के समाधान की अपील की। उन्होंने रोसरा, बगहा और नौगछिया को जिला बनाने की मांग की। साथ ही मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने डिप्टी सीएम को सीएम मटेरियल बता दिया। काम करने वाले व्यक्ति है, मुझे लगता है कि कभी भविष्य में यह व्यक्ति बीजेपी में इससे अच्छा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, भविष्य इनका है। भविष्य में सीएम बन सकते हैं, ये जितने सरल है कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते।
इधर बिहार में जहां एक तरफ राजनीतिक सरगर्मियां तेज है तो दूसरी तरफ एमएलसी की तैयारी भी जोरों पर है। ऐसे में मुंगेर में एमएलसी चुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस से पंकज कुमार सिंह ने नामांकन किया। अपने समर्थकों के साथ पंकज सिंह ने मुंगेर जिला समाहरणालय में स्थित नवनिर्वाचित पदाधिकारी नवीन कुमार के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जनप्रतिनिधियों के लिए कांग्रेस अपना एक विकल्प लेकर आई है। पार्टी का समर्थक हूं, मेरे साथ जो लोग हैं वो मेरे समर्थक हैं और इसमें चुनाव चिन्ह कुछ होता नहीं है, बैलेट नंबर पर चुनाव होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे सपोर्ट किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मैं वर्कर हूं। इधर नामांकन के आखिरी दिन भी कई तस्वीरें देखने को मिली। ऐसे में बिहार में व्यवस्थित चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया के तहत आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। समस्तीपुर और दरभंगा की ये दो तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से नामांकन के आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने दमखम दिखाया। कई दलों के समर्थन में भी प्रत्याशी उतरे और उन्होंने नामांकन के बाद जीत का भरोसा दिया है। ऐसे में समस्तीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी अवनीश झा ने नामांकन दाखिल किया तो दरभंगा में एमएलसी चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी गणपति कुमार झा ने भी नामांकन दाखिल किया और जीत का भरोसा दिया। इधर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें राज्य के अन्य कई नेता मंत्रियों ने भी शिरकत किया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने डीटीवी के माध्यम से राज्य के सभी निवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि कोरोना के कारण दो सालों तक राज्य त्रासदी के आक्रोश में था और अब स्वतंत्रता पूर्वक होली का आनंद नहीं ले सके थे, लेकिन अब स्थितियां बदल गई है। लोग अपने अपने घरों में अपने राज्य में कोरोना के त्रासदी से बाहर आ चुके हैं और होली पर्व बड़े सौहार्द के साथ मनाने के लिए तैयार है, जिसका नजारा दिखने लगा है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्साह हर ओर दिख रहा है और ऐसे में कोरोना संक्रमण के बाद से अब एक बार फिर से लोगों के उत्साह के बीच में कई राजनीतिक पार्टियां होली मिलन समारोह का आयोजन कर रही है, लोगों को बधाई दे रही है, तो दूसरी तरफ लोगों के बीच में एक खुशी का मंजर भी बड़े लंबे वक्त के बाद दिख रहा है। देखिए, होली के प्रदेशवासियों के रंगों के त्यौहार की ढेर सारी शुभकामना और बधाई। इस अवसर पर हम प्रदेशवासियों की कामना करते हैं कि खुशहाली और अमन चैन में लोग रहें और जो हमारा बिहार है वो विकसित बिहार बने, यही मेरा शुभकामना है। और निश्चित ही सब लोग का जो आपसी जो प्रेम है और सद्भाव ये हमेशा बना रहे, कायम रहे। होली की ढेर सारी शुभकामना पूरे डीटीवी दर्शकों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए डीटीवी के साथ। डीटीवी भारत करने जा रहा है चिकित्सकों का सम्मान, बिहार के हेल्थ आइकन्स को हमारा सलाम, पंच परमेश्वर से बिहार श्री सम्मान के सफल आयोजन के बाद जल्द आ रहा है हेल्थ आइकन्स ऑफ बिहार। हेल्थ आइकन्स ऑफ बिहार में पार्टिसिपेट करने के लिए संपर्क करें विशाल कुमार और पूनम कुमारी को। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर, देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी।
लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात मसौड़ी की करेंगे। मसौड़ी के धनरुआ थाना के पकड़ा पर गांव के पास कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक सत्येंद्र प्रसाद कबाड़ी दुकानदार था, जो बीती रात अपनी दुकान बंद कर घर के लिए निकला, जहां उसे रास्ते में ही गोली मार दी गई। सुबह उसका शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के पीछे जमीन विवाद कारण बताया जा रहा है। इधर बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र के जौनीपुर ढाला के पास रिलायंस ट्रेडर्स कर्मी से 10 लाख के लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़ित ने बताया कि अपराधी पैदल थे और हाथ से रुपए लेकर फरार हो गए। वही घटना के बाद पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार ने बलिया थाना अध्यक्ष को जांच कर जल्द ही कार्रवाई और गिरफ्तारी का निर्देश दिया। ये सूचना हम लोग को मिली थी, तुरंत वहाँ पे एसडीपीओ बलिया और एसएचओ बलिया पहुँच गए थे। इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जा रही है। प्रारंभिक तौर पे जो उन व्यक्ति को गाड़ी में बैठा के ले जा रहा था, उस व्यक्ति पे शक जा रहा है, तो उसकी भी खोजबीन पुलिस कर रही है। मैंने थाना को निर्देश दिया है कि जल्दी इस केस का उद्भेदन करें। वादी के द्वारा बताया गया है कि 10 लाख रुपये लेके जा रहे थे और उसी दौरान ये घटना हुई है। कहाँ जा रहे थे ये? शक यहीं की ओर आ रहे थे, इनका कोई दुकान है यहाँ पे बेगूसराय में, उधर ही आ रहे थे। पुलिस पहुंच गई, हम लोग छानबीन कर रहे हैं और जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाएगा। इधर पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के चर्च रोड में आनंद विहार अपार्टमेंट के 101 नंबर फ्लैट में पुलिस ने छापेमारी कर 10 लोगों को शराब पार्टी करते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई है। पकड़े गए शराबियों में कई इंजीनियर की पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, तो कई निजी संस्थानों में अपनी सेवा दे रहे थे। इसके साथ साथ इसमें गिरफ्तार कई लोग बड़े बिजनेसमैन भी बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस अब कार्रवाई के बाद सभी लोगों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। इधर सोमवार को नौहट्टा थाना क्षेत्र के शाहपुर बलवा के पास सीएसपी संचालक रमेश कुमार चौधरी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में सहरसा पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को विभिन्न जगहों से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 कारतूस, 1 मैगजीन लूटी गई, 1 मोबाइल व घटना में उपयोग किए गए 3 मोबाइल भी बरामद किया गया। एक अपराधी गैंग का सूचना मिला कि उन्होंने ये कार्रवाई की थी। टीम 3 जगह रेड की गई और मधेपुरा से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम है गौरी शंकर, आशीष कुमार, नीतीश कुमार और सिंटू कुमार यादव। इधर गोपालगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले में उत्पात मचा चुके 2 सुपारी किलर को पुलिस ने मीरगंज थाना इलाके से हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि 4 दिन पहले मीरगंज थाना इलाके के बीच बाजार में रंगदारी को लेकर कई राउंड फायरिंग भी की गई थी। फायरिंग की घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। बीच बाजार हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस की तत्परता पर सवाल खड़े हुए थे। इस मामले को लेकर गोपालगंज एसपी आनंद कुमार ने एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है, जिसके बाद अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इधर पटना में दानापुर के गोला रोड में सिवान के जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता के आवास पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह छापेमारी की गई। निगरानी की टीम ने छापेमारी के दौरान लगभग 53 लाख रुपए नगद बरामद किया है। इसके साथ ही 5 लाख रुपए के पुराने नोट और 8 से 10 बैंक के पासबुक भी जब्त किए हैं। बता दें कि कार्यपालक अभियंता हरिकृष्ण प्रसाद का सिवान से तबादला हो गया है और वो बख्तियारपुर में पदभार ग्रहण करने गए हुए थे। इस दौरान ये तस्वीरें देखने को मिली। हरे कृष्ण प्रसाद, कार्यपालक अभियंता जल संसाधन विभाग इधर तक सिवान में पोस्टेड हैं। इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला निगरानी में दर्ज हुआ है। उसी सिलसिले में कोर्ट से सर्च वारंट लेकर के आज
इनके पटना स्थित आवास पर निगरानी की टीम द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 53 लाख रुपया नकद, इसके अतिरिक्त पुराना नोट भी लगभग 5.5 लाख रुपया, ज्वेलरी, 4 डीड का कागजात, लगभग 8-10 की संख्या में पासबुक इनके आवास। इधर पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में डीएम की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय समीक्षा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, 7 निश्चय के तहत हर घर नल का जल विषय से संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें केसरिया, कल्याणपुर, चकिया और महसी प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे उक्त विकासात्मक कार्यों की विस्तृत समीक्षा जिलाधिकारी शीर्षत कपिल ने की। रेवेन्यू का जो है समीक्षा बैठक यहाँ पे आयोजित किया है चकिया अनुमंडल में। बेसिकली विकास के जो प्रधानमंत्री आवास सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट उस अपशिष्ट तरल प्रबंधन का जो प्रोजेक्ट है, इसके अलावा भी जो हमारे जल जीवन हरियाली के जो प्रयास है उसको जो है धरातल पे लागू करने के लिए समीक्षा की गई थी। कर्मचारी, पंचायत सचिव, आवास सहायक, इन लोगों को। इधर कोरोना महामारी के खिलाफ जंग के एक और चरण की शुरुआत बुधवार से हो गई है। बुधवार से 12 से लेकर के 14 साल के बच्चों को भी टीका लगाना शुरू कर दिया गया है। इस उम्र में बच्चों को बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा बनाई गई कोर्बेवैक्स वैक्सीन दी जा रही है। ये दोनों तस्वीर आप बिहार की राजधानी पटना और मुंगेर की देख रहे हैं, जहां पर 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। वहीं वैक्सीन लेने वाले बच्चों में काफी उत्साह दिख रहा है। कई सालों से जो तस्वीरें दिखी थी उसके बाद डरे हुए बच्चे अपने वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद जैसे ही वैक्सीन आई है सभी बच्चों को वैक्सीन मिला है। अब उत्साहित बच्चे खुद को सुरक्षित बता रहे हैं। इधर बुधवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने निर्धारित समय अनुसार इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस दौरान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर समेत कई वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि इंटर की परीक्षा में कुल 80.15% परीक्षार्थी सफल हुए, जिसमें आर्ट्स में 79.53%, इसके अलावा विज्ञान में 83.7%, जबकि सबसे अधिक कॉमर्स में 90.38% छात्र पास हुए हैं, जिसमें साइंस में सौरभ कुमार, अर्जुन कुमार टॉपर रहे। वहीं गोपालगंज के संगम राज और कटिहार की श्रेया सेकेंड टॉपर रही हैं। परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी, परीक्षा समिति के अन्य अधिकारी और कर्मीगण और यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों, लगभग 13.25 लाख विद्यार्थियों के किस्मत का आज नतीजा निकल रहा है। आज जब हम लोग यहाँ इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा के नतीजे घोषित कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि इन 13.25 लाख परीक्षार्थियों के कितने परिजन होंगे। 4-4 भी जोड़ दीजिए तो 50-55 लाख हो जाएंगे। इधर इंटर के परीक्षा में पूरे बिहार में श्रेया ने आर्ट्स के विषय में दूसरा स्थान हासिल किया है। उमा देवी विद्यालय 10+2 की छात्रा श्रेया ने मैट्रिक की परीक्षा CBSE से दी थी, वही इंटर में दूसरा स्थान आने के बाद वह बेहद खुश हैं। खुशी के इस मौके पर इंटर आर्ट्स के सेकेंड रैंक होल्डर श्रेया और उनके माता पिता से बात किया हमारे सहयोगी मनीष ने। की बेटी ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है। बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पूरे बिहार की सेकेंड टॉपर श्रेया के घर पर अभी हम मौजूद हैं। कटिहार शहर के लड़कनिया टोला स्थित इनका घर है। हमारे साथ श्रेया है, उनके चेहरे पर आप मुस्कान साफ देख सकते हैं कि पूरे बिहार में इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आइए हम बात करते हैं कि ये अपना सफलता का राज किन्हें देना चाहती है और साथ ही आगे इनका क्या टारगेट है और क्या करना चाहती है। सबसे पहले आपको बधाई हो DTV की तरफ से, क्या कहेंगे आप अपना सफलता का राज किन्हें देंगे? सबसे पहले तो थैंक यू सर, और मेरी जितनी भी सक्सेस का अगर मैं किसी को अगर देना चाहूँगी तो वो मेरी मम्मा और मेरे भाई हैं। आगे क्या सोचे, क्या करना है आगे? एक्चुअली मुझे BA ऑनर्स करना है, वो भी पॉल साइंस में मैंने सोचा है। कैसा फील हो रहा है? टॉप बिहार में दूसरा नंबर प्राप्त किए हैं, बेटी है,
कितना खुशी मिल रहा है अंदर से? एक्चुअली एकदम शॉक सा लगा है अभी, मुझे लगता है एक दो दिन लगेंगे इसे पूरे तरीके से सेटल होने में, और काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। हम भी DTV भारत की तरफ से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मनीष कुमार, DTV भारत, कटिहार। इधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इंटरमीडिएट के रिजल्ट में समस्तीपुर के गौतम ने साइंस में सूबे में 469 अंक लाकर के चौथा स्थान प्राप्त किया है। किसान परिवार में पैदा हुए गौतम इस सफलता से काफी उत्साहित हैं। वह सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देते हैं। उन्होंने कहा कि COVID-19 में विद्यालय बंद थे, ऐसे में उन सबों के प्रयास से यह सफलता हासिल की है। आगे चलकर वह IAS बनना चाहते हैं। बहुत हो रही है, फोर्थ रैंक आया है बिहार में, मेरा टोटल नंबर 469 है। उम्मीद तो थी कि 450 प्लस आएगा, बट इतना नहीं था कि मतलब ये फोर्थ रैंक आएगा। तैयारी हुई थी, सर सब के टच में थे, मतलब मिनेश सर थे और भी सर लोग थे, फिर स्कूल में भी पढ़ते थे ये सब। आगे सर IAS बनना चाहते हैं। IAS बनना चाहते। इधर पटना में कोरोना का साया लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, तो वहीं 2 साल बाद एक बार फिर से रंगों का बाजार गुलजार हो गया है। रंग और पिचकारी का बाजार सजा हुआ है और ग्राहक भी खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन महंगाई के कारण दुकानदारों की बिक्री कम हो गई है। 2 साल से कोरोना का साया लोगों के जीवन पर पड़ा था, तो वहीं अब स्थितियां ठीक होने के बाद लोगों की होली बेरंग बनने के बजाय रंग बिरंगी और मनमोहक होली दिख रही है। ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के कारण लोग एक कम मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं, जिसका असर व्यापक बाजारों पर देखने को मिल रहा है। वही होली के इस दौर में जिस तरीके की तस्वीरें बदली है, राजनीतिक गलियारों से उठ रही सुर्खियों के बीच मोदी पिचकारी और योगी पिचकारी और मुखौटों की धूम दिख रही है। जैसा कि हम जान रहे हैं सब लोग कि कोविड के कारण पिछले 2 साल से होली हम लोग अच्छी तरह नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि उसमें हमें मास्क और दूरी बना के रखना है। लेकिन इस साल अभी कोविड का केसेस कम हो रहे हैं, जिसके कारण हमें लग रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पहले से पिछले 2 साल से कुछ अच्छे इस बार होली हम मना सकते हैं। इसलिए भी मार्केट भी सजे हुए हैं और हम लोग शॉपिंग करने के लिए भी तैयार हैं। 2 साल से तो एकदम बंद पड़ा हुआ था, आदमी पता ही नहीं चल रहा था, होली दिवाली छठ कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अभी तो बहुत अच्छा है, हम सोच रहे हैं अच्छे से मार्केटिंग करेंगे, अच्छे से होली मनाएंगे। पिछले 2 साल से ठीक नहीं मन रहा? नहीं नहीं, ठीक से नहीं मना। इस बार बाजारों में रौनक है। हाँ, तो खबरों के सफल में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।